धीरे धीरे करके हम लोग लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं। एंड बाहर के ट्रैफिक को देखकर लग नहीं रहा कि सिर्फ सरकारी ऑफिसेज के 15% लोग बाहर हैं और प्राइवेट ऑफिसेज के 10% बाहर हैं। अगर ये 10% और 15% तो मैं 100% देखना ही नहीं चाहता। ऑलरेडी ट्रैफिक जैम हो रहा है यार। एश 104.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्गीस, गुड मॉर्निंग। लेकिन देखिए, ये जो पिछले 3 महीने रहे हैं इन द लॉकडाउन, यहाँ पर हमारी जो यूजली सोशली एक्टिव लाइफ रहती थी उस पर लगाम लग गया था। एंड अब फ्यूचर का बड़ा अनसर्टेन है। उस दिन मैं अपने एक दोस्त से मिला तो मुझे पता ही नहीं था कि यार इससे हाथ मिलाऊं, हग करूं। अब वो अच्छी बात है कि मैं एक ऑकवर्ड हग वाला बंदा हूं, तो मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल रहने वाला ये लॉकडाउन की बाद वाली लाइफ, जहां पे लोग थोड़े से घबराए होंगे कि क्या करें, दूर से नमस्ते कर लेते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग मेंटल हेल्थ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन हैं, बहुत सारी चीज़ें बड़ी हेजी हैं, उसका हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। एंड इसीलिए मैंने बात की थी हवोवी से, शी इज अ मुंबई बेस्ड थेरेपिस्ट। एंड उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि ये जो लॉकडाउन वर्ल्ड के बाद वाली जो दुनिया है उसमें हमें मेंटल हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। उन्होंने मुझे कुछ ये बोला। हाय रोहित, सो लॉकडाउन में हमारी लाइफ 180 डिग्रीज बदल चुकी है। वो सारी चीज़ें जो हमें एक रूटीन का एहसास दिलाती थी, वो सडनली एक दिन और बहुत अचानक से रोक दी गई। हम प्रिपेयर नहीं थे और अब 3 महीने हो गए हैं एंड दी अनसर्टेंटी गोज ऑन। अब जब हम एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ेंगे तो लाइफ वापस से बहुत ही अलग दिखेगी। फॉर एग्जांपल, पर्सनल टच गायब हो जाएगा, नई सावधानियां आएंगी, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम जीने की आदि थे वो काफ़ी अलग दिखने वाली है। सो जो सबसे बड़ी बातें होंगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस पैंडमिक, वो एक होगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। लॉकडाउन और वायरस के फैलने से हमारे जॉब्स, सेविंग्स, अर्निंग पोटेंशियल्स, इन सब चीज़ों पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। और साथ ही साथ दूसरा असर होगा हमारे मेंटल हेल्थ पर। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत कुछ झेला है, काम का ज़्यादा प्रेशर, आइसोलेशन, रूटीन लॉस, दोस्त और रिश्तेदारों से दूरी, काम करने के नए ज़रिए, स्कूल जाने के नए मायने। सो इट इज़ ऑब्वियस कि इसका असर कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस पर होने ही वाला है। सो अब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें ध्यान अपना और हमारे आसपास वालों का रखना है, स्पेशली हमारे इमोशंस और हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़े वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन जितने लोगों से मेरी बात होती है ना, मेरे जो दोस्त लोग हैं वो ये कहते हैं, अबे यार ये थेरेपिस्ट वेरेपिस्ट का चक्कर छोड़ो, थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छे और सच्चे दोस्त की ज़रूरत है और एक कप चाय की ज़रूरत है, बस आप अपनी सारी दिल की जो भड़ास है वो वहाँ पर शेयर करो, यू हैव अ डीप कॉन्वर्जेशन, आपको ये थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। इस पे क्या बोला हवोवी ने ये जानेंगे थोड़ी ही देर में। मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्गीस, मेरे साथ हैं हवोवी, शी इज़ अ मुंबई बेस्ड थेरेपिस्ट एंड बात चल रही है मेंटल हेल्थ की इन द पोस्ट लॉकडाउन वर्ल्ड। कहीं मत जाइए, आता हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग।